आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया हुआ है इफ tn इक्वल टू sin ऑफ n थीटा प्लस cos ऑफ n थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो t6 माइनस t4 अपॉन t6 की वैल्यू जो है वो m के बने होल्ड फॉर द वैल्यू ऑफ m सेटिस्फाइंग, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन के बने कि m इस रेंज में होगा, सेकंड वन ही चाहिए, थर्ड वन ही चाहिए, फोर्थ वन ही चाहिए, तो अपने को फाइंड आउट करना है कि m किस रेंज में सेटिस्फाई करेगा जिससे ये वाला रिलेशन ट्रू हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो tn है वो क्या है, साइन ऑफ एन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन थीटा, यानी एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये tn डिफरेंट है। सो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला t6 माइनस t4 अपॉन t6, इसकी वैल्यू m है, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं पहले। तो t6 यानी n की जगह 6 प्लस cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से sin 6 थीटा, t6 का मतलब, प्लस cos 6 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और sin 6 थीटा माइनस sin 4 थीटा, तो sin 4 थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों में से cos 4 थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे ये देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ये यहाँ से अपने पास होता है। देखिए अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करूँ तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा एंड बी है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के साइन फोर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे आ गया मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए प्लस बी का होल क्यूब का। सो यहाँ पे अब देखिए मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर में बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। तो हेंस और यहाँ पे ये भी 1 हो गया, तो ये माइनस, तो ऊपर प्लस लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू एम। सो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी 3m साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम। हेंस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे पास आ जाएगी एम अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है। ये सॉरी 1 माइनस 3m माइनस 1, क्योंकि ये जब ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये माइनस का बनेगा, तो 3m माइनस 1, फाइनल ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m अपॉन 3m माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जब साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम 0 से 1 तक जाएगा, हेंस 4m अपॉन 3m माइनस 1 जो जाएगा 0 से 1 तक जाएगा। ये वाला स्टेप कैसे लिखा हमने, यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला पता है कि जो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 4m अपॉन 3m माइनस 1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। इट मींस m तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, m पॉजिटिव,
इस एंड इसके साथ में 3m-1, ये भी पॉजिटिव, यानी m ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, एक तो ये केस पॉसिबल है। अगेन दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि जो m भी नेगेटिव हो एंड 3m-1 ये भी नेगेटिव हो। ठीक है, तो यानी m की वैल्यू लेस देन 1/3 हो। सो यहाँ पे या तो m की वैल्यू लेस देन 1/3 हो, तो m की वैल्यू ये तो यहाँ से तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए अगर मैं इस वक्त दोनों नेगेटिव हो तो इस वाले की बात करूँ तो ये तो m की वैल्यू यहाँ 0 है, 0 से छोटी हो, m 0 कंक्लूड करके। ठीक है, एक तो कंडीशन, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है कि जो 1/3 है m की वैल्यू 1/3 से भी छोटी हो, तो 1/3 यहाँ पे होगा समथिंग। ठीक है, तो यानी यहाँ से सिर्फ ये कॉमन आया कि m की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, अगर मैं इस वाले सेक्शन से बात करूं, यहाँ पे एक तो m की वैल्यू उन्होंने बोला या तो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या फिर 1/3 से बड़ी हो, यानी 0 पे वैल्यू इससे भी या तो बड़ी हो, या ये अगर 1/3 की बात करूं तो इससे भी बड़ी हो। इट मीन्स जो m की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1/3। इन दोनों से ये कंडीशन आती है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये कब था, जब ये वाली कंडीशन हो कि 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, और 1 से थोड़ा छोटा भी करना है। तो यहाँ पे 4m/3m-1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट मीन्स 4m/3m-1 -1 इज लेस देन 0, हेंस 4m-3m+1/3m-1 लेस देन 0। सो मेरा जो m+1/3m-1 ये क्या आ गया, लेस देन 0। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा कब नेगेटिव होगा, ये मेरा तब नेगेटिव होगा या तो एक पॉजिटिव हो, यानी मैं मान लेता हूँ अगर m+1 ये तो पॉजिटिव है एंड 3m-1 ये नेगेटिव है। ठीक है, यानी m की वैल्यू है जो ग्रेटर देन -1 है एंड यहाँ से वैल्यू आ रही है लेस देन 1/3, तब क्या पॉसिबिलिटी है कि -1 से तो बड़ी और ये बोल रहा है 1/3 से छोटी। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं आएगा यहाँ पे, 1/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हेंस यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट आएगा कि ये वाली केस पॉसिबिलिटी है, यानी m की m बिलोंग्स टू -1 से 1/3। ठीक है, केस टू क्या पॉसिबल है कि जो m+1 है ऊपर का डिनोम जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव 0। ठीक है, और जो 3m-1 है वो पॉजिटिव हो जाए, यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1/3 और m की वैल्यू लेस देन -1। तो ये -1 से तो छोटी और 1/3 से बड़ी, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा। तो सिर्फ यहाँ से क्या सॉल्यूशन आया कि 1 से छोटा तब होगा जब ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, और यहाँ से एक सॉल्यूशन ये आ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू चाहिए। तो पहले वाले में बोला है कि m की जो वैल्यू है 0 से छोटी है, ठीक है, और यहाँ पे -1 से 1/3 के बीच में, तो ये -1 यहाँ पे हो गया, 1/3 यहाँ पे हो गया, तो ये इंक्लूडेड है और ये है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से m बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 से 0। ठीक है, दूसरा केस कि जो m ग्रेटर देन 1/3, तो यहाँ से क्या केस आया कि जो m की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 1/3 से तो ग्रेटर देन हुई और -1 से 1/3 के बीच में है यहाँ पे, तो -1 से 1/3 के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों से भी कोई कॉमन नहीं आया, हेंस जो मेरा जो कॉमन आंसर आ गया वो क्या आ गया, -1 से 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, -1 से 0 ऑप्शन करेक्ट है, तो इट मीन्स मेरा ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हेंस आंसर क्या हो गया, सी एंड डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।